गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए कल हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था और उसमें हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन जो हमारा वर्ग 15 का पहला तत्व है उसके बारे में हमने आपको बताया था कि वर्ग 15 में 5 तत्व हैं जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, जिसमें हमारा सबसे पहले ऊपर के जो दो तत्व हैं वह अधातु हैं और बीच में दो तत्व उसके बाद जो आते हैं वह उपधातु हैं और हमारा जो लास्ट का तत्व है बिस्मथ वह है अधातु। और हम उसमें पढ़ रहे थे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसपे क्वेश्चन और इसके भौतिक गुण पूछे जाते हैं और यह भी पूछा जाता है किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि डाई नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे। तो पहले यदि बनाइए बनाने की विधि, यानी डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि प्रयोगशाला में हम डाई नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में जो डाई नाइट्रोजन होता है वह अमोनियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड के विलयन, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसमें हम मिलाएंगे जब सोडियम नाइट्राइड NaNO2, यानी NaNO2 यह हमारा होता है सोडियम नाइट्राइड। जब हम अमोनियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम नाइट्राइड मिला करके इसको जब हम गर्म करते हैं तब हमारा बनता है NaCl H2O और नाइट्रोजन गैस, यानी इसी को हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन। इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम नाइट्रोजन गैस को, यानी नाइट्रोजन गैस या इसी को हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को की क्रिया जब हम सोडियम नाइट्राइड के साथ मिला के गर्म करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड जल और नाइट्रोजन गैस बनता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन को बना सकते हैं। डाई नाइट्रोजन को और भी विधियां बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दूसरी विधि की हम डाई नाइट्रोजन को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर दूसरी तरीके से हम किस प्रकार से डाई नाइट्रोजन को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब यह अमोनियम डाइक्लोरेट के तापीय अपघटन से ही बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम अमोनियम डाइक्लोरेट को गर्म करते हैं तब भी हमारा उससे नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। पहले हम लिखेंगे अमोनियम डाइक्लोरेट का सूत्र। तो अमोनियम डाइक्लोरेट का सूत्र होता है NH4 का होल टू आई Cr2O3। अब जब इसको हम क्या करते हैं तापीय अपघटन, यानी कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो वह अपघटित मतलब टूट जाता है। तो किसमें टूटता है नाइट्रोजन जल और क्रोमेट यानी Cr2O3 में क्या होता है अपघटित हो जाता है। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट यानी आप कह सकते हैं कि जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो वह डाई नाइट्रोजन जल और डाइक्रोमेट में अपघटित हो जाता है। यहाँ देखिए समीकरण बैलेंस नहीं है, हर एक समीकरण को आप बैलेंस करेंगे अन्यथा आपके नंबर को काटा भी जा सकता है एग्जाम में। इसलिए आप जितने भी समीकरण लिखेंगे उसको आप बैलेंस कर देंगे। यहाँ देखिए हमारा नाइट्रोजन एक है और यहाँ पे सप्ला हो जाएगा तो 2 हो जाता है, इसलिए दो है बराबर। लेकिन हाइड्रोजन 4 × 8 हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2, अगर यहाँ 4 लगा देते हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाता है बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अमोनिया यानी डाई नाइट्रोजन को इस नियम से भी बना सकते हैं। यदि आपसे प्रयोगशाला में दो विधि पूछा जाए कि डाई नाइट्रोजन बनाने की दो विधि का वर्णन कीजिए या दो विधि का समीकरण लिखिए तो आप
इन दोनों समीकरण को लिख सकते हैं। पहला हमने आपको बताया है कि जब अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन गैस जल और NaCl बनता था। और दूसरा हमने आपको बताया जब अमोनियम डाइक्रोमेट का या कह सकते हैं आप जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन गैस जल और डाइक्रोमेट प्राप्त होता है या बनता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस समीकरण को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और आसानी से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यह रहा आपका डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि। अब हम पढ़ेंगे इनके गुण क्या हैं उसके बाद आगे। तो चलिए हम देखते हैं कि डाइनाइट्रोजन के क्या क्या गुण हैं। तो पहला पॉइंट कहा जा रहा है नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन तथा विषैली गैस, यानी कि जो हमारा डाइनाइट्रोजन होता है वह बहुत ही विषैला होता है नहीं, और इसकी जो ना ही कोई गंध होता है ना ही इसका कोई स्वाद होता है। और दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, यानी इसमें जो बॉन्ड तीनों जो है सिंगल बॉन्ड से जो नाइट्रोजन आपस में है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और उसी के कारण कहा जा रहा उच्च आबंध ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होता है, यानी कमरे के ताप पर यह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है थर्ड नंबर, यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाइनाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है, यानी कहने का मतलब है नाइट्रोजन जो होता है वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। चलिए इसके समीकरण को देखते हैं, यानी हमारा यह हो गया नाइट्रोजन और यह जो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के साथ कब जब हमारा ताप जो है 773 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो और यह आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है और इससे कुछ ऊर्जा भी निकलती है। अमोनिया बनने के दौरान जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ क्रियाकला के 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया बनाते हैं तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है और यह एक ऊष्मा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो उसको हम कहते हैं वह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनने की क्रिया जो है वह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से यह रहा डाई नाइट्रोजन के गुड। अब हम पढ़ते हैं कि डाइनाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए तो हम पढ़ेंगे कि डाइनाइट्रोजन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि डाइनाइट्रोजन के उपयोग क्या कहाँ होते हैं। तो पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इसका उपयोग क्रायोसर्जरी में होता है, यानी इसका उपयोग जो है डाइनाइट्रोजन में भी किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है वैद्युत लैंपों में अक्रिय वातावरण बनाने के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं, यानी जो हमारा लैंप होता है उसमें अक्रिय वातावरण बनाए रखने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा उसमें ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ब्रेक भी हो सकता है, इसलिए उसमें हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि इसका उपयोग औद्योगिक रसायनों में कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, कहा जा रहा है कि कैल्शियम साइनामाइड जो आपका एक रसायन है इसका प्रयोग बनाने के लिए हम डाइनाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यह रहा आज का डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि। हमने आपको बताया किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके लिए हमने आपको दो विधि बताया है उसको आप तैयार कर लेंगे। हमने बताया कि इसके गुण के बारे में, इनके क्या क्या गुण है और इनके उपयोग के बारे में। तो इस तरह आपका डाइनाइट्रोजन आज समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हमारा आगे है अमोनिया, यानी अमोनिया या जो है यह नाइट्रोजन का एक यौगिक है। तो हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रयोगशाला में अमोनिया बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं।
अब यहाँ लिखा है अमोनिया, यानी अमोनिया जो है ये एक प्रकार का गैस है। तो अमोनिया को जो अशुद्ध होता है NH3 होता है, नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और अमोनिया का जो अर्भार होता है वह 17 होता है। आपको पता हो कि अर्भार कैसे निकाला जाता है, यानी अर्भार जो होता है इनके यानी जो जो तत्व इसमें जुड़े हुए हैं उनके परमाणु भारों का योग होता है। यानी नाइट्रोजन हमारा एक है, इसका परमाणु भार होता है 14 और नाइट्रोजन के यहाँ तीन तीन परमाणु है, तो इसमें हम और नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन का वह होता है एक, तो हम अगर और यहाँ नाइट्रोजन का एक परमाणु है और नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 14 और हाइड्रोजन की इसमें तीन परमाणु है और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है एक, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 14 + 14 + 3 = 3 और 14 + 3 हमारा हो जाता है 17। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा अणुसूत्र यानी अणुसूत्र जो होता है NH3 और अर्भार जो होता है 17 होता है। अब हम देखते हैं कि अमोनिया की जो है संरचना सूत्र किस प्रकार से बनती है। यानी हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है उसके बाद उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यानी अगर अमोनिया का परमाणु क्रमांक 7 होता है और अगर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमको मिलता है 2 और 5। और कोई भी तत्व जो है वह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन का दान करता है या शेयरिंग करता है। तो यहाँ देखिए हमारा जानते हैं के एल एम एन जो कोष होते हैं, तो के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए बांड बनाता है या दूसरे तत्व से शेयरिंग करता है। यहाँ देखिए जो नाइट्रोजन है यहाँ 3 हाइड्रोजन से संयोग किया, यानी हमारा जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, मतलब के कोष में हमारा 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व से साझेदारी करता है। तो यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है उसके बाद उसमें, और वह भी सोचता है कि हमारे हमारा जो अष्टक है वह पूरा हो जाए, तो के कोष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन है इसके पास 1, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से साझेदारी करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है हमारा हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से साझेदारी कर लेता है। तो इस प्रकार देखिए हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है तो इसका अष्टक पूरा, यहाँ से इसका अष्टक पूरा और यहाँ से इसका अष्टक पूरा। अब अगर हम नाइट्रोजन जो है जब सबसे साझेदारी कर लेता है तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो यह आप हमारा रहा नाइट्रोजन का संरचना सूत्र। यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन का संरचना सूत्र बताइए या दिखाइए तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से अमोनिया जो है नाइट्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करके NH3 बनाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि यानी अमोनिया जो है कैसे बनाया जाता है। तो अमोनिया जो है सबसे पहले यह माना जाता है कि यह यूरिया यूरिया के साथ संयोग करके जल के साथ संयोग करके बनाया गया था, जिसका रासायनिक समीकरण होता है। सबसे पहले जो है अमोनिया हमारा यानी यूरिया यूरिया के साथ यूरिया को पानी के साथ मिला के बनाया गया था। यानी तब जब यूरिया यानी सबसे पहले बनाया गया जब यूरिया की क्रिया जल से कराई गई तो हमारा बना अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया बना और जल बना
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यह समीकरण जो है, सबसे पहले हमारा जब यूरिया बनाया गया, यूरिया से अमोनिया बनाया गया था तब का है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अमोनिया गैस यूरिया से कैसे बनाई गई, तो आप इस समीकरण को बता सकते हैं। और आज से क्लास यही समाप्त होता है और हम कल पढ़ेंगे अमोनिया की प्रयोगशाला विधि और हैवर विधि से अमोनिया अधिक मात्रा में हम किस प्रकार से बनाते हैं। आज से क्लास यही समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।